केंदुहाड़ी थाना क्षेत्र के बीएनआर रेलवे साइडिंग में 58 वर्ष बीसीसीएल कर्मी प्रयाग भुइया का शव मिलने से मची सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर घटना की छानबीन में जुट गई। क्या घर में किसी प्रकार लड़ाई झगड़ा हुई थी? नहीं, कुछ क्या आपको क्या शंका है? वो लगता कोई इधर किसी से भेंट उट करने आए होंगे, निकले होंगे, वो ट्रक वाला चपचाप के घर फेंक दिया गया यार। जी, उनका क्या नाम है? प्रयाग। कितना उम्र है? लगभग 55 वर्ष होगा। उनकी जो पत्नी है उनकी उम्र कितना होगा? लगभग 50। और कह रहे हैं कि वो कब सुबह में कब घर से निकले थे? तो मैं 9 बजे। आप लोगों को खोज भी नहीं की उस बात? अब तो डेली जाते इधर, सब शाम खाना के टाइम में चले जाते हैं। आप कौन है उनका? मेरा पिताजी है। और आपको कब पता चले? ये आधा घंटा पहले। एक घर से कब निकले थे? घर से ही निकला है, खाना खाते 11 बजे। तो उसके बाद आपने पता कहीं नहीं किए कहाँ गए कहाँ नहीं गए? पता गया तो किया तो बोला बाहर गए हैं, उसके बाद मालूम चला कि यहाँ पर ऐसा हादसा हुआ, तो वहाँ से हम गाड़ी खोल के आए, देखें तो देख रहे हैं पहचाने तो लगा मेरा बाबू। क्या शंका है? साइडिंग से मार के गिर गया। ट्रेन से नहीं हुई है? नहीं, ट्रेन से नहीं। तो आगे की प्रक्रिया आपका क्या होगी? आप लोगों को जब तक फैसला नहीं होगा सर बंद रहेगा, बॉडी उठने नहीं देंगे। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। आप मृतक आपका कौन सा लोग है? बड़का बाबू जी, बड़े पिताजी ना। बीएनआर रेलवे साइडिंग जहाँ ट्रैक लगती है, ट्रैक के ठीक सटे बगल में डेड बॉडी मिला है। अभी हम बस खड़ा है, उसका पूरा खोपड़ी खुला हुआ है और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या है। अभी कुछ भी करना मुनासिब उचित नहीं है। कौन है, कहाँ का सर? ये बीएनआर पावर हाउस में बीसीसीएल एम्प्लॉई है, प्रयाग भुइया इसका नाम है। हेलो।